हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेनोग्राफर रिज़ल्ट 2021 के बारे में। यहाँ पर दोस्तों, आप सभी रिज़ल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर स्टेनोग्राफर की जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर कब डिक्लेयर कर दी जाएगी। पर दोस्तों, राजस्थान स्टेनोग्राफर रिज़ल्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट है रिज़ल्ट से जुड़ी हुई, जो आप सभी को जानना यहाँ बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर अनलॉक की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी है, जिसमें कि रिक्रूटमेंट बोर्ड और सारे कर्मचारी बोर्ड भी जो भी हैं वो सब यहां पर खुलना स्टार्ट हो गए हैं। जैसा कि रिसेंटली कल यहां पर कर्मचारी खुलने के बाद जो यहां पर जो चेयरमैन हरि प्रसाद शर्मा हैं उनसे वार्तालाप हुई उपेन यादव जी की, जिनमें विभिन्न भर्तियों को लेकर, रिजल्टों को लेकर और नए भर्तियों को लेकर उनसे वार्तालाप किया। तो यहाँ पर दोस्तों, उनका इस चीज़ के रिगार्डिंग क्या अपडेट आया, क्योंकि जो चयनित उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर अपनी रिज़ल्ट को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर जो यहाँ पर रिज़ल्ट स्टेनोग्राफर की कब आएगी। तो मैं दोस्तों बता दूं, हरि प्रसाद शर्मा का बहुत बड़ा अपडेट आया है जो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपकी यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि 4 या 5 दिन के अंदर आपकी रिज़ल्ट आने की यहाँ संभावना बन रही है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हरि प्रसाद शर्मा का ये अपडेट था और यहाँ पर आप जाकर जो पत्रिका न्यूज़ में भी देख सकते हैं, यानी कि कल की, जिसमें कि यह बताया गया कि यहाँ पर जो भी कर्मचारी बोर्ड हैं, चाहे वो माध्यमिक बोर्ड हो, चाहे वो RSMS बोर्ड हो, उसके जो भी वर्क हो रहे हैं 25% कर्मचारी ही कर रहे हैं। तो जिसको लेकर यहाँ पर जो समय है, थोड़ा आपकी रिज़ल्ट को लेकर, भर्तियों को लेकर टाइम लगेगा। पर हरि प्रसाद शर्मा का जो बयान था कि जो रिज़ल्ट की प्रक्रिया हम पहले प्राथमिकता रख रहे हैं और रिज़ल्ट जिन जिन भर्तियों की अटकी पड़ी है उन सभी को यहाँ पर क्लियर करना है, जिसमें कि आपकी रिज़ल्ट को लेकर स्टेनोग्राफर भी है। यानी कि दोस्तों, उनका कहना है कि जून के अंत तक जो आपकी स्टेनोग्राफर की जो रिज़ल्ट है इसे डिक्लेयर कर दी जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, उनकी तरफ से यह बड़ा अपडेट आ रहा था। यहाँ पर दोस्तों, अगर कार्यालय खुलता, पूरी तरह से वर्क होते, 100% जो है कर्मचारी आते वर्क करते, तो हो सकती थी कि एक अंदर के भीतर ही आपकी रिजल्ट प्रक्रिया जारी कर देती। पर यहाँ पर काफ़ी सारे वर्क हैं और कर्मचारी कम हैं, जिसको लेकर यहाँ पर धीरे धीरे जो यहाँ पर RMSS बोर्ड है वो यहाँ पर धीरे धीरे ही जो वर्किंग प्रोग्रेस कर रही है, जिसके अंदर जून के अंत तक आपको स्टेनोग्राफर के रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको ये ऑफिशियली बता नहीं सकता हूँ किसी नोटिस या किसी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पर दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं कि उपेन यादव ने भी इस चीज़ को लेकर बात किया था, उनसे वार्तालाप हुई इस चीज़ को लेकर, उन्होंने सारी भर्तियों को, समस्याओं को लेकर उनसे बात की। जो अपडेट आपको आई मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडीज़ उनको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।